ये देखिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण विषय है एक्सेप्टेंस और स्वीकार का। ये मामूली चीज़ नहीं है, ना ये हताशा है, ना हार है, ना एल्केमी है, ना कुछ किसी चीज़ से एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है। ये एक समझ है, शियर अंडरस्टैंडिंग है। जिंदगी को जब हम उसकी टोटेलिटी में देखते हैं, उसकी संपूर्णता में देखते हैं, तो समझ आती है और उसी से उपजता है स्वीकार, उससे निकलता है एक्सेप्टेंस निकलती है। हम जब अपने विचारों को और अपनी डिजायर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोज करते हैं, अपने थॉट्स और अपनी डिजायर्स को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, सारा जिंदगी में रेजिस्टेंस वही है। लेकिन अगर हम अपने थॉट्स और डिजायर्स को भी ऐसा देख पाएँ कि वो भी हमारी कॉन्शियसनेस में बस इमर्ज होते हैं, मेरे नहीं हैं वो डिजायर्स भी, जिनको हम अपनी कहते हैं, ऐसा सच वो मेरी नहीं है, और ये हमको अभी पता भी नहीं कि मेरी हैं कि नहीं है, ये तो हमने एज्यूम किया है एज ए कंसेप्ट। कौन जानता है कि कॉन्शियसनेस या वो एग्जिस्टेंस ही हमारे थ्रू कुछ डिजायर कर रही हो, हु नोज वेदर इट इज इंडिविजुअल आर इट इज कॉस्मिक, ये हमारी अपनी है या टोटेलिटी की डिजायर है, अभी हम जानते नहीं इस चीज़ को। ह्यूमन माइंड में ही अगर हम समझें, कॉन्शियसनेस की बात थोड़ी सी हटाएं तो माइंड ही समझ लें, थॉट्स इमर्ज होते हैं, डिजायर्स इमर्ज होती हैं, विचार इच्छाएं आती हैं, चली जाती हैं। हम जब उनको अपना मानते हैं तो हम बहुत प्रतिरोध करते हैं, बहुत रजिस्ट करते हैं। जिस दिन हम ये देख पाते हैं कि विचार और इच्छाएं भी हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, वो जैसे आसमान में उड़ते बादलों की तरह हमारे अंदर से गुजरती हैं, तो एक अजीब सी शांति आपके अंदर उतरती है। उस शांति से एक बड़ा स्पॉन्टेनियस सा एक्सेप्टेंस का भाव आपके अंदर आता है, सहज सा स्वीकार। वो हताशा नहीं है, क्योंकि आपने बदलती हुई चीज़ें देखी हैं कि सब बदल रहा है, कैसा होना चाहिए ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए ये हमारी धारणा है, हमारा कॉन्सेप्ट। मौसम बदल रहा है, अभी ठंडक आएगी तो क्या उसको कहेंगे कि हमने ठंडक को एक्सेप्ट कर लिया, आई थी क्या करें, धरती को तो घूमना रोक नहीं सकते थे, एक्सेप्ट कर लिया। हम नहीं कहते, क्योंकि हम बहुत ही अनुभव से अपनी समझ से जानते हैं कि ये बदलाव है, ये ऐसे ही होता है, यही प्रकृति है, यही नेचर है बदलाव का। तो ऋतुएं बदलती हैं और हमारे अंदर कोई प्रतिरोध नहीं आता, हम लड़ाई नहीं लड़ते उससे। लेकिन कुछ लोग लड़ाई लड़ते हैं और वो खाम खां दुखी होते हैं बेवजह में। यानी बदलते हुए मौसम से आप लड़ाई लड़ेंगे तो आप दुखी होंगे, लेकिन उस दुख का निर्माण, उसका क्रिएशन आपने खुद ही किया है। लेकिन बदला है मौसम, आप जानते हैं कि ये बदलता है, तो स्वीकार का एक अलग भाव है आपके अंदर। और फिर आपसे जो बन पड़ता है उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए आपका शरीर, मन, आपकी कंडीशनिंग, आपकी बैकग्राउंड, आपके रिसोर्सेज, आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट, व्हाटएवर यू हैव, आप उसके हिसाब से उसको हैंडल करते हैं। उसके सिवा आप कुछ कर भी नहीं सकते, नथिंग एल्स, या कर सकते हैं। सर्दी आएंगी, आपको ज़्यादा ठंडक लगती है, आप अपने कपड़े निकालेंगे,
रो रो के निकालेंगे या बस निकाल लेंगे, आपको पता है। मुझे नहीं लगता कि कपड़े निकालते समय लोग बहुत लड़ाई लड़ते हैं। कुछ लोग हो सकता है लड़ते भी हों कि लो फिर आ गई सर्दी, फिर निकालो कंबल, फिर निकालो रजाई। कुछ लोग कर सकते हैं तो वो अपना ही अपनी ही परेशानी और दुख इन्वाइट कर। अदरवाइज आप बड़े स्विफ्टली स्पॉन्टेनियसली मूव हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कब आपके हल्के कपड़ों से स्वेटर आ गया, कब आपने उसको डाल लिया, शॉल डाल ली, कब आपका सब पंखे एसी सब बंद हो गए, कब हीटर ऑन हो गए, कब क्या हुआ, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा। जैसी जिसकी क्षमता है उस हिसाब से वो उसको हैंडल कर लेता है। अमीर से गरीब तक हर व्यक्ति उस बदलाव के साथ अपना एडजस्टमेंट करता है। दूसरा इसका रिलेटिव पहलू है, किसी को वो कम लग सकती है ठंड, किसी को ज़्यादा लग सकती है, लेकिन इसमें कुछ भी परेशानी नहीं, एक जॉय है और आप बदली हुई परिस्थितियों के साथ बस मूव हो रहे हैं। ऐसे ही जब कोई परिस्थिति आपके सामने आई, मान लीजिए एक झगड़े की स्थिति आपके सामने, उसमें आप क्या स्वीकार करेंगे, झगड़ा करें कि ना करें, लोग हमको पीटने आ रहे हैं हम पिट जाएं, या प्रतिरोध करें, पलट के पीटें, वाइजली हैंडल करें, निकल जाएं, क्या करें? ठीक है, मेरा ये कहना है आप वही करेंगे जो आप कर सकते हैं, उसके सिवा आप कुछ कर ही नहीं सकते या कर सकते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करने पर उसका रिजल्ट हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल अलग होता है। किसी ने अपने अंदर पीस को नर्चर किया है, उसकी कंडीशनिंग में पीस का एलिमेंट ज़्यादा है, तो जब झगड़े की स्थिति बनेगी तो वो ऑलमोस्ट उसको अपनी उस बैकग्राउंड के चलते हुए पीसफुली हैंडल कर लेगा। एक्सेप्टेंस ये है कि परिस्थिति है और आप ये नहीं कह रहे कि इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो है सामने आ गई है, तो आप ये नहीं कह रहे कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके वो कहने से बदलने वाली नहीं, परिस्थिति आ गई है। एक कुछ लोग आपको पीटने आ गए हैं, अब आप इस परिस्थिति को पूरा स्वीकार कर लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है, फिर आप अपनी क्षमता के हिसाब से वही करते हैं जो आप कर सकते हैं, और आपको वही करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। आप बहुत मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हैं तो आपको दो चार हाथ पांव आजमाने की कोशिश भी कर सकते हैं, आप बहुत शार्प माइंड रखते हैं तो आप परिस्थिति की नज़ाकत देख सकते हैं और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि भाग लेना ठीक है या इस समय भिड़ जाना ठीक है। कोई सीधा इसका उत्तर नहीं है। आप बहुत अच्छे ओरेटर हैं, आर्टिकुलेट करने की आपकी क्षमता है, तो आप अच्छी बातों से ही चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं पीटने की सिचुएशन नहीं है, झगड़े की सिचुएशन नहीं है, तो ये नॉन एक्सेप्टेंस हुआ। आपने परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी रियलिटी को आपने नहीं जाना, आपने जाना कि ये तो ऐसा ही है, अब आप क्या करेंगे डिपेंड्स। तो ऐसे ही ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति हो सकती है, वाइज व्यक्ति उसको देखता है कि ये ऐसा ही है, इस समय ये ऐसा ही है, और फिर अपने अंदर से अपनी पूरी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उसका रिस्पॉन्स आने देता है। कंस्ट्रक्टिव वे में सोचेंगे तो हर परिस्थिति के लिए जो रिस्पॉन्स आए तो वो वही बेहतर होगा जो आपको आगे और मुश्किलों में ना डाले। कंस्ट्रक्टिव वे में ये उचित होगा। लेकिन फिर कुछ लोगों ने आदत अगर बना ली होगी मुश्किलों में पड़ने की, तो वो रिस्पॉन्स करके मुश्किल में पड़ेंगे, लाख कहने के बावजूद कि मत करना, और वो कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि आगे फिर मुश्किल में पड़े, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग वैसी ही है।